जाई परदेश खूब करीबे कमाई, दिन परिवार हमरा सुख से बिताई, रही रही याद आवे बोलिया तोहार, बाबूजी के प्यार छूटे माई के दुलार। पट्टी में उभरते हुए भोजपुरी के कलाकार, जी हाँ, प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में दशरथपुर के छोटे से गांव में जन्मे सुभाष शुक्ला पुत्र स्वर्गीय राजनारायण शुक्ला, जिनका बचपन से ही फिल्मी दुनिया से अगाध लगाव और प्रेम था, लेकिन कुछ हालातों की वजह से आपको बता दें कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसी दौरान वह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी फिल्म जो अभी हाल ही में रिलीज हुई, जिसका नाम है जेकरा में दम बार रोक सकाता रोकला, उसका सारा श्रेय वह अपने परिवार वालों, खास करके अपने भाई हरिश्चंद, वेद प्रकाश, जय प्रकाश और भाभी सविता को देते हैं। और मजे की बात यह है कि वह बताते हैं कि एक बार उनके रास्ते में उनकी पत्नी ने आड़े आई, उनसे कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि यह मेरा सपना है और मैं अपने सपने को चकनाचूर होता नहीं देख सकता, जिसके बाद उनकी पत्नी ने भी उनका भरपूर साथ देना शुरू कर दिया। और प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गाँव में जन्मे एक युवा कलाकार भोजपुरी की दुनिया में अपना एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। आपको दिखाएंगे आगे इस फिल्म में उदित नारायण का भी एक गीत लगा हुआ है और भोजपुरी जगत की मशहूर नर्तकी, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में ज़्यादातर 250 फिल्मों में काम करने वाली सीमा सिंह और डायरेक्टर राघवेंद्र यादव, मोतिहारी जिले के बिहार राज्य के तथा प्रोड्यूसर के रूप में यलबी वर्मा, सुभाष शुक्ला, अरुण वर्मा और गुलहसन भाई मुख्य रूप से हैं। आपको बता दें कि मुख्य कैरेक्टर की भूमिका निभा रहे सुभाष शुक्ला के इस कार्य के लिए सारा श्रेय अपने परिवार वालों को देते हैं, जिन्होंने इनका हौसला अफजाई किया और उत्साह बढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको पहले नमस्कार करते हैं और मेरा नाम सुभाष शुक्ला है, मैं दशरथपुर ग्राम सभा पट्टी के बगल 1 किलोमीटर की दूरी से हूँ और मैं इन तमाम अपने गांव वालों को और अपने सहपाठियों को, साथियों को धन्यवाद अदा करते हुए उससे भी ज़्यादा मैं धन्यवाद अपने परिवार को, फैमिली को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है। हमारे बड़े भैया हरिश्चंद्र जी, वेद प्रकाश जी, जयचंद्र जी और हमारी बहुत ही सबसे ज़्यादा उत्साह करने वाली हमारी भाभी जी सत्या शुक्ला जी हैं, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया है। बहुत मेहनत किया हमारे साथ, हमारे भाइयों ने और पिताजी के गुजरने के बाद भाइयों ने बहुत सहयोग किया कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। आपको जो फिल्म आई है इसकी शूटिंग कहां हुई है, जेकरा में दम्बा रोक सकीता रोकली, मतलब इसकी शूटिंग पूरी कहां हुई, कहां कहां? इसका 75% शूट अपने प्रतापगढ़ पट्टी, बाबा बेलखरनाथ धाम मादहा और पट्टी कोतवाली डॉक्टर DRS हॉस्पिटल, दशरथपुर बाजार के भी कुछ छायांकन किया गया है। तो फिल्म आप देखेंगे शिक्षा से उत्प्रोत फिल्म है। अच्छा, शिक्षा से जुड़ी? हाँ, ना तो प्यार के लिए लड़ाई है ना जमीन के लिए लड़ाई है। अच्छा। केवल गांव के विकास में कि शिक्षा कहाँ तक सहयोग करती, इसी की लड़ाई है फैमिली का। तो इसी तरह से फिर हम लोग पट्टी कोतवाली में भी शूट किए हैं। अच्छा, अच्छा। और उस समय जो हमारे सभाजीत मिश्रा जी या सच्चो थे यहाँ पे, बहुत अच्छा सपोर्ट किए, पुलिस का बहुत बढ़िया सहयोग रहा, मार्केट का भी सहयोग रहा। लेकिन ये है कि मैंने सीखा बहुत है भैया, यहाँ लोगों ने बहुत पंच किया और फिर भी मेरे भाइयों ने, मेरी भाभी जी ने इतना उत्साहवर्धन किया कि मैं इस मुकाम तक आज पहुँच सका हूँ। तो उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जाई परदेश खूब करीबे कमाई, दिन परिवार हमरा सुख से बिताई, रही रही याद आवे बोलिया तोहार, बाबूजी के प्यार छूटे माई के दुलार, बाबूजी के प्यार छूटे माई के दुलार। वाह, बहुत गजब का गाना था। आप एक कोई अच्छा सा, जो इस मूवी में आपकी जो मूवी आई है इसका कोई अच्छा सा डायलॉग सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, एक अच्छा सा डायलॉग जो आपको मतलब लगा हो कि हाँ जो सबसे अच्छा था, क्योंकि आपने उसमें बताया कि एक ठाकुर का रोल किया है। डायलॉग हमारे पास जो अभी दिमाग में है दो है। हाँ, जो मैं दोनों आपको सुना देता हूँ। एक डायलॉग है, जमींदार साहब इस शहर से आये अपने लड़किया के 4 गो किताब,
संस्कृति और सभ्यता के पढ़ा दी, ताकि अगर दूसरा के थरिया में मुंह बारे के कोशिश करी तो ई बेरी तो एकरा के हाथ से मर ले बानी, अगरा बेरी लात से मारब। गजब, बहुत गजब का। और दूसरा वाला भी सुना दीजिए एकदम धमाके, बहुत गजब का डायलॉग आप। सांसद बद्रीनाथ, ऐसे कौनो ताकत ना बा जौन हमारे गांव में विद्यालय बने से रोक सके। अगर हमका छत्री कुल में पैदा भइल बानी तो इतना दम रखी था अपने गांव के विकास के खातिर विद्यालय का डिप्लोमा के भी कॉलेज खुलवा सकीला। आई रउआ से वादा बा कि आज नहीं तो कल हमारे गांव में आईएस, पीसीएस, डीएम, एसपी सब पैदा हुई हैं और रउआ जैसे आतंकवादी इनके विनाश कर दी। बहुत गजब का डायलॉग रहा। बहुत हमारे साथ हैं सुभाष शुक्ला जी की छोटी सी बच्ची। आज हम इनसे ही थोड़ा पूछते हैं, जैसा कि ये बहुत उत्सुक थी हम लोगों से बात करने के लिए, तो हम इनसे पूछते हैं आपके पापा का क्या नाम है? सुभाष चंद्र शुक्ला। अच्छा, उनकी कौन सी फिल्म अभी आई है हाल में, आपको नाम पता होगा? है। कौन सी पिक्चर आई है, नाम का है वो पिक्चर का? जकरा में दम्बा रोक सकते रोक। अच्छा, तो उनमें कोनो डायलॉग आप याद है आपको, कौन सा डायलॉग है एक सुना दीजिए अच्छा सा डायलॉग? देवा कानो बकरी के बच्चा ना हजार दहार दे तो पूरा हवेली हिल जाए। ओ, बहुत अच्छा है वो, जैसा कि आप सभी ने देखा बच्चे की इस साहस का भी हमें वो देनी चाहिए, दाद देनी चाहिए, कितने अच्छे से उसने बताया। वर्दी की गर्मी, ए दरोगा, तू और तुहार पूरा पुलिस फोर्स मिलकर भी हमार कुछ ना उखाड़ पाएंगे। जिया करे लागल दिल में बेचैनी, अब बढ़े लागल। देवा चिल्ला मत, देवा कौनो बकरी के बच्चा ना, अगर दहाड़ दे तो पूरा हवेली हिल जाए।